हेलो बच्चों, अपने पॉलीमर चल रहा था। पॉलीमर चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, एक लेक्चर अपन के पॉलीमर में अपन ने देख लिया था। पिछले लेक्चर में इसके अपन ने पॉलीमर की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में बात की थी। क्लासिफिकेशन में अपन ने कहा था कि इसका चार बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला बेस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस। दो पहले अपन ने इसके डिस्कस कर चुके हैं, सोर्स के और पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे, यानी इसके स्रोत के आधार पर और बहुलीकरण के आधार पर जो इसका वर्गीकरण है उसके बारे में अपन ने बात कर ली। आज अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर बहुलकों को कितने भागों में बांटा जाता है, कितने टाइप्स के पॉलीमर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसकी बात अपन करेंगे। On the basis of structure, संरचना के आधार पर। तो देखो, संरचना के आधार पर अपन ने पॉलीमर को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से? एक अपन ने कहा था लीनियर पॉलीमर, एक अपन ने कहा था ब्रांच्ड पॉलीमर, एक अपन ने कहा था क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रेखीय बहुलक। ब्रांच का मतलब शाखित बहुलक और क्रॉस लिंक का मतलब त्रियक बंध वाले बहुलक। देखो, बारी बारी से बात करते हैं। लीनियर पॉलीमर के मतलब क्या है? लीनियर पॉलीमर का मतलब है कि यहां पर जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, एकलक श्रृंखलाएं हैं, वो एक दूसरे से इस तरह से लीनियर फॉर्म के अंदर अरेंज होती है। देखो, जो नाम होगा वो इसका काम होगा। बहुत आसान है इसकी डेफिनेशंस याद करना, बस मेन होते हैं इनके एग्जांपल्स। पॉलीमर चैप्टर के अंदर यही चीज़ है, आसान सा चैप्टर है। डेफिनेशन तो उसकी हेडिंग ही बता देती है, बस आपको इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है, बस वो चीज़ देखनी पड़ती है। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया? जब मोनोमेरिक यूनिट्स इस तरह से लीनियर फॉर्म के अंदर अरेंज हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलीमर बन जाएगा। अब ये मोनोमेरिक यूनिट्स इस तरह से एक सेट के रूप में यहाँ पर रहती है, यानी इसका एक वेल अरेंजमेंट होता है यहाँ पर। इसके वेल अरेंजमेंट के कारण ही हम ये बोलते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो ये हाई होती है, क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छी है। लीनियर फॉर्म के अंदर अरेंजमेंट है तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है, और रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहली बात क्या ले सकते हैं इसके बारे में? मोनोमेरिक यूनिट्स अरेंज्ड इन लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म में अरेंजमेंट होगी, ये एक तरह का रेगुलर अरेंजमेंट है, यानी नियमित एक अच्छा अरेंजमेंट है, ये एक तरह का वेल अरेंजमेंट भी इसको अपन बोल सकते हैं। और इस वेल अरेंजमेंट के कारण ही इनके मेल्टिंग पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ ये क्या होती है आपके पास? हाई होती है, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आई बात समझ में? इसके जो एग्जांपल्स हैं पीवीसी लिख सकते हैं इसके एग्जांपल में, इसके अलावा व्यूना एस, व्यूना एन, ये भी इसके एग्जांपल में
लिखा जा सकता है। आई बात सुन में, तो ये है आपके पास लीनियर के बारे में। मोनोमेर यूनिट्स अरेंज्ड इन अ लीनियर फॉर्म, इट इज़ अ रेगुलर यानी वेल अरेंजमेंट, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्रांच पॉलीमर की। देखो ब्रांच के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लीनियर फॉर्म थी तो यहाँ पर मोनोमेरिक यूनिट एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन तो करती है, इस लॉन्ग चेन के साथ साथ कुछ साइड चेन भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसको अपन एज ए ब्रांच बोल सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर एक ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, ये मेन चेन और इसके साइड में ये साइड चेन, ये ब्रांच जैसी फीलिंग दे रहे हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, शाखित बहुलक या फिर ब्रांच पॉलीमर इसको बोला जा सकता है। तो इसके बारे में अपन देखो क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला मोनोमेरिक यूनिट अरेंज इन लॉन्ग चेन विथ ब्रांचेस ऑफ साइड चेन ऑफ डिफरेंट लेंथ। सही है। अब लीनियर एक वेल अरेंजमेंट होता है, जबकि ब्रांच को एक तरह से इनरेगुलर अरेंजमेंट की कैटेगरी के अंदर डाला जाता है, यानी इतना अच्छा अरेंजमेंट ये नहीं माना जाता। इसकी वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, लो होती है। तो सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या ले सकते हैं, इनरेगुलर अरेंजमेंट लो मेल्टिंग पॉइंट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। सही है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो देखो इसके एग्जाम्पल में आता है आपके पास एमाइलोज स्टार्च एटसेट्रा, ये कुछ आपके पास नेचुरल पॉलीमर्स हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। आई बात सुन में, तो ये है आपके पास ब्रांच पॉलीमर। अब क्रॉस लिंक का मतलब क्या होगा, क्रॉस लिंक के अंदर क्या होता है, मोनोमेरिक यूनिट्स दो से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट्स एक दूसरे से क्रॉस बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। इस तरह से मोनोमेरिक यूनिट एक दूसरे से क्रॉस बॉन्ड से जुड़ती है और एक 3D लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। और नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, याद करो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर डायमंड के अंदर पढ़ते हैं अपन, जितनी भी स्ट्रक्चर क्रॉस लिंक 3D नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर के अंदर इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से इनको हार्ड या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये जो क्रॉस बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं मोनोमेरिक यूनिट्स के अंदर, ये एक तरह के कोवलेंट्स बॉन्ड होते हैं, ये कोवलेंट्स बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से इस तरह से बंधी हुई होती है। आई बात सुन में, तो देखो इसके अंदर अपन क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला मोनोमेरिक यूनिट फॉर्म्स थ्री डी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विथ क्रॉस लिंक बॉन्ड्स। सेकेंड लिख देंगे अपन, दीज बॉन्ड्स आर
कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बॉन्ड होते हैं, ये एक तरह के सहसंयोजी बॉन्ड एक तरह के ये माने जाते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं इसके अंदर अपन? स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल है इसका बेकेलाइट, मेलामाइन। ये है आपके पास क्रॉस लिंक के एग्जाम्पल्स। तो सीधी सी बात है, नाम से डेफिनेशंस पता चल जाएगी और एग्जाम्पल्स और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी आपको इसकी याद रखनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो देखो एक बार दोबारा, लीनियर मोनोमेरिक यूनिट लीनियर फॉर्म में अरेंज होगी, एक तरह का रेगुलर अरेंजमेंट है, वेल अरेंजमेंट है, मेल्टिंग पॉइंट टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगी, ब्यूनाइस ब्यूनाइन इसके एग्जाम्पल में चले जाएंगे। मोनोमेरिक यूनिट्स के साथ साथ कुछ साइड चेन्स भी होगी डिफरेंट लेंथ की, ब्रांच लेसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, तो इसको ब्रांच पॉलीमर बोल देंगे। इसकी तुलना में इसके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल में आएंगे, जैसे कि अपन ने लिखा है स्टार्च एमाइलोज। थर्ड है आपके पास क्रॉस लिंक पॉलीमर, मोनोमेरिक यूनिट्स फॉर्म 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विथ क्रॉस लिंक बॉन्ड्स। तो इस तरह से क्रॉस लिंक बॉन्ड बना के ये एक 3D नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलामाइन। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट जो लास्ट अपने पास क्लासिफिकेशन का बेस है ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर, उसकी बात अपन यहाँ पर करते हैं। फिर देखो इसके बेसिस पे अपन चार पार्ट के अंदर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला जो पार्ट है इसका वो है इलास्टोमर्स यानी प्रत्यास्थ बहुलक। सेकेंड है इसका फाइबर रेशे। थर्ड है थर्मोप्लास्टिक यानी ताप सुनमय। और लास्ट है आपके पास थर्मोसेटिंग ताप दृढ़ बहुलक। ये चार इसके टाइप हैं, देखते हैं एक एक करके क्या है इनके अंदर। सबसे पहला इलास्टोमर, देखो इलास्टोमर वर्ड आया है इसकी इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी से। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी मतलब जो रबर के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप फोर्स लगाओगे तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा और फोर्स हटाने से वापस अपने ओरिजिनल साइज़ के अंदर आ जाएगा, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी है। तो जिन पॉलीमर्स के अंदर ये इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है उनको अपन इलास्टोमर्स वाली कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो देखो इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, रबर लाइक सॉलिड्स। ये कैसे होते हैं, रबर जैसे ठोस होते हैं, वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होता है। वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है तभी तो इसका साइज बढ़ जाता है, तभी तो हम इसे आसानी से खींच सकते हैं, वरना तो इसे आसानी से खींच नहीं सकते थे। तो वीक फोर्स होता है, वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब इसके एग्जाम्पल में रबर जैसा बोल ही दिया है तो रबर ही इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके पास, नियोप्रीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस। सही है,
नेक्स्ट बात करते हैं फाइबर। देखो फाइबर साधारण सी बात है, धागे को कहते हैं अपन फाइबर। जनरली जब फाइबर टर्म अपने सामने आती है तो अपने दिमाग में धागे, रेशे, ये सब अपने दिमाग में आते हैं। तो इसकी भी जब इसकी डेफिनेशंस के बारे में बोला जाता है तो ये बोला जाता है कि फाइबर्स वे पॉलीमर होते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, जो धागे जैसी संरचना रखते हैं, वो फाइबर के अंदर आते हैं। इनके बीच की जो इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इलास्टोमर्स के कंपेयर में इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये हार्ड होते हैं। ये इलास्टोमर्स के कंपेयर में हार्ड होते हैं। सीधी सी बात है, एग्जांपल की बात करें तो जो भी अपने कपड़े हैं, कपड़े भी एक तरह के पॉलीमर्स हैं, अपने बात की थी, जैसे अपन बोलते भी हैं पॉलिस्टर है, ये अपने कपड़े हैं, जैसे पॉलिस्टर का कपड़ा हो गया, पॉलीएमाइड्स भी हो गए, नायलॉन 6/6 वगैरह, ये सब धागे ही हैं अपने पास। तो इन सब के अंदर क्या है, कपड़े के अंदर क्या होता है, अपन ऐसे इनको खींच के आसानी से इसके आकार को बदल नहीं सकते। वो बहुत कम ऐसे कपड़े होते हैं इसके अंदर इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी होती है, वो एक अलग तरह की प्रॉपर्टी है, मैं धागे की बात कर रहा हूँ। आप ऐसे धागे को खींच के, एक साधारण कपड़े के धागे को खींच के उसके आकार में बढ़ोतरी नहीं कर सकते और उसको वापस अपने आकार में ले सकते, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। सही है, हाँ ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएंगे, मैं बात कर रहा हूँ कि उसके साइज़ में बढ़ जाए, इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, वो नहीं होती उसके अंदर, क्योंकि इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेज मॉलिक्यूल में ज़्यादा होते हैं जो अलाउ नहीं करते कि आप अपने आकार को बढ़ा लो और वापस आकार को कम कर लो। तो जो थ्रेड लाइक सॉलिड्स होते हैं वो फाइबर के अंदर रखे जाते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, थ्रेड लाइक सॉलिड्स strong intramolecular attraction present between molecules। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी tensile strength क्या हो जाएगी, high tensile strength होती है। एग्जाम्पल में वही लिख दो भाई, पॉलीएमाइड, क्या क्या लिख दोगे पॉलीएमाइड में, जैसे लिख दिया नायलॉन 6/6, इसके अलावा जो आपके पास टेरिनीन है वो भी इसी के एग्जाम्पल के अंदर आएगा। सही है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास थर्मोप्लास्टिक की। तो देखो जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो मेनली लीनियर और कुछ कह सकते हैं कि अपन कुछ थर्मोप्लास्टिक ब्रांच फॉर्म में होते हैं, यानी ये लीनियर और समटाइम्स या फिर कुछ इसमें ब्रांच पॉलीमर को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। इसके जो इंट्रा मॉलिकुलर अट्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो फाइबर और इलास्टोमर्स के बीच में होती है, यानी ये फाइबर से तो कम इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, जबकि इलास्टोमर से क्या होते हैं, ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। और एक ख़ास बात, ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं अगर आप इन्हें गर्म करोगे तो ये मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और अगर वापस ठंडा कर लोगे तो वापस इसके अंदर इसकी हार्डनेस आ जाएगी, और ये रिपीटेडली बार बार होता है, इस वजह से अपन इसको अगेन एंड अगेन इसका रीयूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो कहने की बात है कि गर्म करोगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे और ठंडा करने पर वापस सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, इस वजह से अगर इसको एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दें और फिर दूसरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, यानी इसका रीयूज़ करना है, तो इसका रीयूज़ आसानी से किया जा सकता है। तो क्या लिखते हैं देखो इसके अंदर, लीनियर समटाइम ब्रांच, मेनली लीनियर और कुछ ब्रांच पॉलीमर भी इसके अंदर आ सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर, फाइबर और इलास्टोमर के बीच का इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। सही है, नेक्स्ट पॉइंट क्या ले सकते हैं इसके बारे में, सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डिंग
ऑन कूलिंग। गर्म करोगे तो मुलायम हो जाएंगे, ठंडा करने पर वापस ठोस हो जाएंगे। आई बात समझ में? और इस प्रॉपर्टी के कारण इसको रीयूज आसानी से किया जा सकता है। देखो क्या लिखेंगे इसके बारे में, कैन बी रीयूज अगेन एंड अगेन, आसानी से इसका रीयूज किया जा सकता है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया पीवीसी, मैंने लिख दिया हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन। आई बात सुन में? तो ये है अपने पास कौन सा एग्जाम्पल, थर्मो प्लास्टिक का। लास्ट बात करते हैं थर्मो सेटिंग की। देखो थर्मो सेटिंग जो पॉलीमर्स हैं वो वही क्रॉस लिंक वाले पॉलीमर्स हैं। जो क्रॉस लिंक वाली कैटेगरी पड़ी थी वही थर्मो सेटिंग वाले पॉलीमर्स हैं। तो एक तो लाइन इसके अंदर अपन ये लिख देंगे कि ये क्रॉस लिंक पॉलीमर का ही टाइप है एक तरह का, या बोल सकते हैं कि ये वो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स ही हैं। खास बात है इसमें ये कुछ कुछ, इसको अपन थर्मोप्लास्टिक से अगर कंपेयर करें तो देखो थर्मोप्लास्टिक से इसका डिफरेंट क्या है, थर्मोप्लास्टिक को आप ठंडा गर्म कर सकते हो जबकि इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इनको अगर आपने एक बार गर्म करके किसी भी एक स्ट्रक्चर में ढाल लिया तो दोबारा वापस इसको गर्म करके ही यूज़ नहीं कर सकते। एक बार गर्म कर लिया बस हो गया, एक बार गर्म करके जिस भी स्ट्रक्चर में सॉलिड में कन्वर्ट करना है उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद बार बार इसको ठंडा गर्म नहीं किया जा सकता। अगर आपने एक बार इसको एक स्ट्रक्चर में देने के बाद दोबारा इसको गर्म किया तो ये फिर टूट जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। जैसे आपके स्विच बोर्ड्स होते हैं, स्विच बोर्ड एक तरह का प्लास्टिक, प्लास्टिक के जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, तो अगर आप उनको गर्म करोगे तो क्या वो मुलायम होकर उसको दूसरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट थोड़ी कर सकते हो, तो फिर खराब हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, जो भी उनका होगा वो एक तरह से वापस काम में लिए नहीं जाएंगे। तो ये वही प्रॉपर्टी होती है। और इसके अंदर हार्डनेस क्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। तो देखो क्या लिखता हूँ इसके बारे में, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कैनॉट बी रीयूज। क्योंकि क्रॉस लिंक है इसलिए एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसके भी, वही बैकेलाइट, मेलामाइन। तो ये आ जाएगा अपने पास इसके एग्जाम्पल। आई बात सुन में? तो ये था अपने पास फोर टाइम। अगर मैं अब इनको इनके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो देखो इनके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा थर्मोसेटिंग, उसके बाद नंबर आएगा फाइबर, उसके बाद नंबर आएगा थर्मोप्लास्टिक, और सबसे लास्ट में जो नंबर आएगा आपके पास वो होगा इलास्टो। तो ये रहेगा इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोल दो, या इसके इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर बोल दो, चाहे इनके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह का ऑर्डर बोल दो, ये इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा आपके पास। सबसे पहले थर्मोसेटिंग, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड इलास्टोमर्स। तो ये है आपके पास पॉलीमर का पूरा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अब इसमें अपन टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस तरह से पॉलीमराइजेशन होता है उसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।